Hey guys, welcome back to my channel Indian Lang Badal Upreti. Guys, आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ. मुझे कई टाइम से मैसेज आ रहा था, कई टाइम से मुझे इस बारे में कि सर आप बिगिनर के बारे में नहीं बताते हो, बिगिनर के बारे में बताया करो, उसकी डाइट, उसका सप्लीमेंट, उसका स्टैक, किस तरीके से बिगिनर को चलाना होता है. तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिगिनर की डाइट के ऊपर. डाइट नहीं, बेसिकली सप्लीमेंट बोलूँगा मैं, सप्लीमेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या बिगिनर को सप्लीमेंट चलाना होता है. और अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में हो, तो कई ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, पर नॉलेज होने के बावजूद भी कई लोग अपने पैसे का मिसयूज़ करते हैं, उसको गलत तरीके से, जो चीज़ खानी नहीं होती वो चीज़ भी खाते हैं, और जब ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो उसको खाते नहीं है, फिर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कई आगे जाके उनको जो है उस चीज़ का जो है साइड इफ़ेक्ट बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाता है. तो गाइस, वो क्या चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है, सप्लीमेंट किस तरीके से यूज़ करना होता है, कितना यूज़ करना होता है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. इसमें एक लाइक बटन होगा, बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी. तो गाइस, बात कर रहा था मैं सप्लीमेंट के बारे में. पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप बिगिनर हो, तो बिगिनर के लिए स्पेशली मैं बता दूँ, बिगिनर को जब भी जिम स्टार्ट किया जाता है, जिम स्टार्ट करते ही मैंने देखा है बिगिनर जितने भी होते हैं घर में भर लेते हैं, वो प्रोटीन, BCA, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन टैबलेट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, सारी चीज़ें भर लेते हैं घर में, भर के स्टॉक वो लगा लेते हैं कि यस मेरा स्टॉक अब रेडी है, अब मैं एक्सरसाइज के लिए तैयार हूँ. भाई, सबसे पहली बात तो बॉडी को एक परफेक्ट मोड में आने के लिए कई महीने लग जाते हैं, पहली बात. दूसरी बात, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो एक हफ्ते तक तो आपको मिक्स एक्सरसाइज करनी होती है, एक हफ्ते तक तो आपको बॉडी में ऐसा लगेगा कि पेन हो रहा है. आप एक दो दिन, जब आप पहले दिन वर्कआउट करोगे तो पहले दिन आपको हल्का हल्का पेन होगा, ऐसा नहीं किया. मैंने भी कई ऐसे भी कई बंदे देखे हैं कि पहले दिन जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते ही पहले दिन वो डेढ़ दो घंटा ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि उसके बाद एक हफ्ते तक गायब हो जाते हैं. वो कहते हैं नहीं यार, बहुत पेन हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये नहीं. तो इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है. जब भी कोई बिगिनर होता है या कोई भी सप्लीमेंट नहीं चलाना फिलहाल, जब तक आपकी बॉडी जो है रिकवरी मोड पर ना आ जाए, मतलब रिकवरी ना मांगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं चलाना. आप नॉर्मल जो है ग्लूकोज ले सकते हो, आप नॉर्मल डाइट अपनी अच्छी रख सकते हो. डाइट अच्छी रखो अपनी, प्रोटीन डाइट रखो, चिकन, अंडे, बीफ और रेड मीट, पोक, ऐसी चीज़ें आप फिश ऐसी चीज़ें खा सकते हो, वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स, इन चीज़ों को ऐड करो. ये आपकी क्लीन डाइट होती है जो आपको जो है बॉडी मसल्स को बिल्ड करेगी और साथ ही साथ आपका जो है फैट लॉस करेगी. तो हमें करना ही ये होता है, फैट लॉस करना होता है बॉडी से और मसल्स को बिल्ड करना होता है, उसी लेवल पे जो है, उसी लेवल को जो है आगे ले जाना होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक सिमेट्री, जिसको बोलते हैं सिमेट्री आ जाए और हम एक अच्छा लुक हमारा दिखे, उसी को बॉडी बिल्डर बोलते हैं, या उसी को एक अच्छा एथलीट या फिर एक मैन फिजिक फिटनेस मॉडल जो भी है वही बंदे बोले जाते हैं जिनकी सिमेट्री बॉडी के अंदर दिखाई देने लग जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग. तो गाइज, मैं आपको बता दूं, एक हफ्ता अपने मिक्स एक्सरसाइज करने के बाद आप कम से कम 10 से 15 दिन के बाद अपने एक्सरसाइज में सप्लीमेंट ऐड करना स्टार्ट करिए. आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नॉर्मली जो बिगनर है, बिगनर को मैं बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले प्रोटीन लेना है. आप बिफोर वर्कआउट प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप प्रोटीन ले लो. आप एक स्कूप प्रोटीन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम थिन है, आप बिल्कुल पतले हो, आपको गेन करना है, तो आप 2 स्कूप से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक स्कूप सुबह एक स्कूप शाम को. आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है, कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं. यस, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, कुछ ऐसा है, तो आप सेलकॉल, जैसे मैंने बताया आपको, सेलकॉल D3 कैल्शियम का कॉम्बिनेशन है, वो चला सकते हो. आप 1000 mg हमारी बॉडी की कंजप्शन होती है एक दिन की, तो आप वो चला सकते हो. उसके साथ कैल्शियम के जो है पाउच आते हैं, वो आप वीक में एक ले सकते हो, उससे बॉडी में आपकी जो है कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी. दूसरा, आप अगर लेना चाहते हो तो मल्टीविटामिन भी ले सकते हो, अगर बॉडी में आपके कमी है, अदरवाइज मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती. इसके अलावा गाइस, आपने प्रोटीन के साथ आपने BCA स्टार्ट करना है, BCAA जिसको बोलते हैं. इसका काम होता है रिकवर करना, मसल्स को रिकवरी का काम होता है, इसका रिकवर करता है मसल्स को, आपको एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ लेवल आपका बरकरार रखेगा. ये दो चीज़ें आपने चलानी है. अगर आप BCA ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह ग्लूकोज भी ले सकते हो, बिगिनर स्पेशली.
अब ये बात हो गई आपकी, उसके बाद अगर आपका लेवल बढ़ रहा है धीरे 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 बढ़ रहा है, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल की बात। इंटरमीडिएट के जो भी बंदे हैं उनको जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप अगर काफ़ी टाइम से कर रहे हो, एक दो साल आपको हो गए करते हुए, इंटरमीडिएट उसको नहीं बोलते जो 6 महीने हो गए, जिसको इंटरमीडिएट नहीं बोला जाता उसको। पहली बात तो आपको बता दूँ, बहुत से लड़के ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद वो खुद गुरुजी बन जाते हैं, वो सीखते हैं, ट्रेनर पहले उनको सिखाता है कि बेटा ऐसे इस तरीके से बाइसेप्स मारना है, बाद में वो ट्रेनर को बताते हैं सर ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे मारा जाता है। ट्रेनर कहता है ठीक है भाई मैं गलत हूँ, अब पैसा पे कर रहा है वो, पीटी दे रहा है, उसको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा है, अब उसको तो अब उसको कहेगा नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, तो फिर वो कहेगा नहीं जी मैं तो किसी और से ले लेता हूँ, फिर वो उसकी कंप्लेंट करेगा रिसेप्शन पर आगे, नहीं सर आपका ट्रेनर बदतमीज है आपको उसको मालूम नहीं है कैसे। तो इस तरीके से माहौल आजकल जिमों के अंदर चल रहा है, मैंने देखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले जो आपको गाइड कर रहा है उसके पास जब नॉलेज है तभी वो आपको गाइड कर रहा है, अगर नॉलेज नहीं होता तो उसको कंपनी हायर ही क्यों करती है एज ए ट्रेनर या जो भी है व्हाटएवर। मैं उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जो बंदे एज ए ट्रेनिंग ट्रेनर काम करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं या जिम के कोच हैं जो भी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस की हैं। तो ये बात हो गई, टॉपिक से अलग जा रहा था, अब बात कर रहा हूँ मैं इंटरमीडिएट की बात। इंटरमीडिएट के बंदे आपने सप्लीमेंट में सबसे पहले प्रोटीन ऐड करना है, BCAA ऐड करना है, बॉडी का लेवल देखना है आपका, बॉडी का लेवल क्या है। आप क्रिएटिन भी ऐड कर सकते हो, ग्लूटामाइन भी ऐड कर सकते हो, दोनों चीज़। लेकिन क्रिएटिन ग्लूटामाइन की एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, क्रिएटिन ग्लूटामाइन आपने कंटिन्यू नहीं रखना है। मैंने कई लोगों को देखा है जैसे प्रोटीन लेते हैं वैसे क्रिएटिन भी लेते हैं वो, या फिर कई बंदे ऐसे मैंने देखा है BCA रिकवरी करता है तो सुबह शाम तक वो BCA पीते हैं, वो कहते हैं नहीं BCA तो बहुत अच्छी चीज़ है रिकवर करता है। भाई मसल्स एक्सरसाइज कब कर रहे हो आप? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपका जो है ग्लाइकोजन लेवल डाउन होता है, या फिर आप एनर्जी के लिए या फिर आप रिकवर के लिए जब आप मसल्स आपका ब्रेकडाउन होगा तभी तो आपको BCA की ज़रूरत है। आप सुबह शाम तक BCA पी रहे हो, आप क्या 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 पी रहे हो उसमें? BCA पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? प्रोटीन पी रहा हूँ। सुबह शाम तक प्रोटीन ही पीते रहते हैं, BCA पीते, भाई उससे बॉडी नहीं बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि प्रोटीन ही हिलाता रहूँ सुबह शाम तक या फिर BCA हिलाता रहूँ सुबह शाम तक, BCA पीता रहूँ, नहीं। मैं आज भी 2 स्कूप 2.5 स्कूप से ज़्यादा BCA नहीं लेता 2 टाइम में, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा ज़्यादा मैं 3 स्कूप, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैं BCA आज भी नहीं लेता। क्या मेरी मसल्स नहीं है? क्या मेरी बॉडी नहीं है? प्रोटीन मेरा आज भी है, प्रोटीन में भी ज़्यादा कभी इंक्रीज़ नहीं करता हूँ, मेरा उसका भी एक लेवल होता है। स्पेशली पाउडर प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोटीन इंक्रीज़ करता हूँ तो डाइट में इंक्रीज़ करता हूँ। आपको डाइट को फोकस करना है, क्लीन डाइट लेनी है। बाहर तो आपके चल रहे छोले भटूरे और यहाँ आप प्रोटीन से ही खिला रहे हो, सुबह शाम तक प्रोटीन पी रहे हो, उससे बॉडी नहीं बनेगी। सर आप दिमाग से निकाल दो उस बात को। तो मैं आपको बता दूं, ग्लूटामाइन अगर आपने 1 महीने चलाया उसके बाद आप 10 दिन का 15 दिन का गैप दे सकते हो, फिर से आप उसको स्टार्ट करो। नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कई सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि आप काफ़ी टाइम तक अगर उनको चलाते हो तो फिर बॉडी के अंदर वर्क करना बंद कर देते हैं, जैसे कि फैट बर्नर है। अगर फैट बर्नर भी आप काफ़ी टाइम तक चलाओगे तो वो काम करना बंद कर देता है बॉडी में, बॉडी को हैबिचुअल हो जाती है बॉडी उसकी, फिर वो काम नहीं करता बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ों को स्टॉप करना होता है। प्रोटीन आप रेगुलर बेसिस में ले सकते हो। प्रोटीन अगर कभी आपका ख़त्म हो गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अमीनो एसिड होना चाहिए, यानी कि BCA ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कंपेयर टू आपके प्रोटीन के। अगर प्रोटीन आपके पास नहीं भी है, ख़त्म हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब प्रोटीन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फुल टेंशन में, घर वालों को परेशान, दोस्त को परेशान, कहीं से कर्जा मांगना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर BCA है तो आप BCA चला सकते हो। BCA आपको रिकवर करता रहेगा, BCA से आपको जो है मसल्स आपका लॉस नहीं होने देगा BCA, पहली बात। अगर प्रोटीन आप डाइट में अच्छी रखते हो तो उससे भी आपकी बॉडी जो है कहीं नहीं गिरेगी, कुछ नहीं होगा, वैसी ही रहेगी आपकी बॉडी। बट यस, कुछ टाइम के बाद आपको फिर से प्रोटीन चलाना पड़ेगा। ये इंटरमीडिएट की बात होगी। इसके साथ इंटरमीडिएट स्पेशली अगर आपने कोई स्टैग वगैरह चलाया है, कोई साइकिल चलाई है, तो ड्यूरिंग साइकिल अगर आपकी बॉडी में मसल्स पेन हो रहा है या फिर जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप जॉइंट सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, लीवर सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो उस समय जब आप ऐसी चीज़ें चलाते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, बिगनर स्पेशली उनको भी बता रहा हूँ, किसी जॉइंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी लीवर डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी लीवर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिसिन को खाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ ना कर रहे हो। स्टेरॉइड हमारी बॉडी को, जो स्टैग्स वगैरह होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होता है, साइड इफेक्ट डालते हैं, मसल्स को जो है इनका बिल्ड करने का काम होता है, साथ ही साथ ये जॉइंट्स को, बोन्स को, इनको भी इफेक्ट करते हैं,
हेयर फॉल वगैरह इन चीज़ों को, कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमको एडिशनल कैल्शियम ऐड करना होता है। तो इंटरमीडिएट लेवल में अगर बंदे कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं तो उनको तब ये चीज़ें चलानी होती हैं, और तब तक चलानी होती है जब तक उनकी बॉडी में वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफालतू में चलाए जा रहे हो, पैसा वेस्ट करो, वेस्ट ऑफ मनी। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं गाइस, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट ही जो है आपको जो है ऐसी चीज़ें चलानी होती हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़, सप्लीमेंट आप ले सकते हो, प्रोटीन ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है आप दो दो हफ्ते तक घर में बैठे हो प्रोटीन ही पिए जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी में प्रोटीन तभी काम करेगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर जब आप मसल्स को बिल्ड कर रहे हो, तभी मसल्स उस प्रोटीन जो है मसल्स को बिल्ड करेगा जब आप उस पर काम कर रहे हो। आपने बॉडी हिलाई नहीं है, आप सोच रहे हो प्रोटीन पी के मैं डोले मेरे तैयार हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है गाइस। मैं आपको बता दूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर रहा हूं मैं इंटरमीडिएट से ऊपर, एडवांस लेवल या फिर जो है एक प्रो लेवल की बात कर रहा हूं। प्रो लेवल के बंदे ज़्यादातर उनको नॉलेज होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो लोग ज़्यादातर जो है स्टैग वगैरह पर रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। गेनिंग भी जब करते हैं तो साल साल भर तक भी जो है आप वो गेनिंग पर रहते हैं, तो गेनिंग पे भी वो ऐसी चीज़ें चलाते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस में इनको चला सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इसका काफ़ी साइड इफेक्ट होता रहता है, तो उनको क्या हैबिट पड़ जाती है इन चीज़ों की, तो उनके जॉइंट्स वगैरह मसल्स वगैरह इस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको पड़ती रहती है क्योंकि उनका मसल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, और दूसरी बात उनको जो है ज़्यादा डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप एडवांस लेवल में भी हो, अगर आपकी बॉडी अच्छी भी है, उसके बावजूद भी आपने जो है, ऐसा नहीं कि आपने ग्लूटामाइंड या फिर क्रिएटिन जो है हमेशा ही लेना, नहीं, आपके लिए भी सेम सिस्टम है जो एक बिगिनर के लिए है या फिर जो एक इंटरमीडिएट के लिए है। आप भी अगर कंटिन्यू कोई चीज़ को चला रहे हो तो उसको कुछ दिन के बाद स्टॉप करना है, नॉट प्रोटीन और BCA, ग्लूटामाइंड अदर्स सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कैल्शियम आप रेगुलर बेसिस में ले सकते हो, अगर आपके जॉइंट्स वॉइंट्स में दिक्कत है तो जॉइंट सपोर्ट ले सकते हो। लीवर में, अगर लीवर आपका बिल्कुल ठीक है, आपने PCT कराई है और आपका जो है FT LFT नॉर्मल है, सब कुछ है, तो लीवर सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई यू वेस्टिंग योर मनी? माई कंसर्न इज दैट ओनली कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम वाई यू टेकिंग, आप क्यों ज़बरदस्ती आप वो ले रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो जब जरूरत ही नहीं है उसकी, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि अगर वो पैसा आप खर्च वहाँ करने के बजाय फ्रूट्स में करें या फिर अपने डाइट में करें, आप अच्छी चीज़ें खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को नॉलेज देने का था कि कैसे सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, किस तरीके से बिगनर के लिए क्या क्या लेना होता है, मैंने आपको बताया। आई होप मेरी इस बात से सेटिस्फाई होंगे। और आपको एक चीज़ और करना है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट जो भी बंदे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बिगनिंग लेवल में या जो भी इंटरमीडिएट, जो अपना वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, वो पैसे वेस्ट ना करें, उन तक ये वीडियो पहुँचे। और गाइज एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें एक लाइक बटन होगा, बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।